वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग 75 डेज स्ट्रेटेजी के डे 18 की चर्चा करेंगे। इस क्लास में एडवर्ब के बारे में समझेंगे। दोस्तों, यह एडवर्ब की पहली क्लास है। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव को कंप्लीट डन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसेस एग्जाम और वन डे एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसके अतिरिक्त आप इंग्लिश ग्रामर सीखने के उद्देश्य से भी इसे देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया टीम के पेड कोर्सेज के बारे में। अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है तो @studyforcivilservices सर्च करके जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स हैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही प्राप्त होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पे दिया है एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। इसका डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब और अ कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब। देखिए, अगर इसको समझेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी ऐसा शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है या किसी क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है या दूसरे क्रिया विशेषण की ही विशेषता बताएगा या पूरे सेंटेंस की विशेषता बताएगा उसे एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब के बारे में आप ऐसे याद रखिएगा ना, एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है जो लगभग सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में या सेंटेंस के बारे में जानकारी रखता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा है, जैसे देखिए, सोहन वर्क्स हार्ड। अगर हम बात करेंगे सोहन की, सोहन क्या है तो आप बोलेंगे यहाँ पर सोहन नाउन है। वर्क की बात करेंगे तो वर्क क्या है, ये वर्क आपका वर्ब हो जाएगा। देखिए, आपने यहाँ पे लिखा है हार्ड। अब हार्ड की बात करेंगे, एक चीज ध्यान देना, अगर ये हार्ड सोहन की विशेषता बताएगा तो नाउन की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, जो कि हमने पीछे पढ़ा है। और अगर वर्क की विशेषता बताएगा तो देखिए, वर्क क्या है, वर्ब, तो वर्ब की विशेषता बताने वाला एडवर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आपने लिखा है सोहन वर्क्स हार्ड। देखिए, सोहन कैसा काम करता है, कठिन काम करता है। क्या यहाँ पे सोहन हार्ड है, ऐसा नहीं कहा गया, सोहन कठिन काम करता है या फिर मतलब कठिन परिश्रम करता है, काम करता है, ऐसे समझिएगा। तो यहाँ पे ये जो हार्ड वर्ड है ना, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है वर्क को। देखिए, आपने लिखा है सोहन वर्क्स हार्ड, सोहन हार्ड नहीं है, सोहन का काम हार्ड है, मतलब वो हार्ड काम करता है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब। तो यहाँ पे देखिए, हार्ड एक एडवर्ब है। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है, इससे समझते हैं। आपने लिखा रीना सिंग्स वेल। रीना क्या है, एक नाउन है, है ना। सिंग्स क्या है, सिंग्स मतलब गाती है, ये क्या है, वर्ब है। और वेल की बात करेंगे, अब बताओ ये एडजेक्टिव होगा कि एडवर्ब होगा। देखो, आपने लिखा है रीना अच्छा गाती है, रीना अच्छा नहीं है, रीना अच्छा गाती है, तो ये गाने की विशेषता बता रहे हैं, मतलब ये जो विल है, विल यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा। विशेषता किसकी बता रहे हैं, ये विशेषता बता रहे हैं वर्ब की, है ना। ये भी मतलब हम लोग समझते हुए चलते हैं कि वर्ब की विशेषता बता रहे हैं। इस एग्जाम्पल को देखिएगा, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। आपने एग्जाम्पल लिखा सी इज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए, सी क्या है, सी एक प्रोनाउन है, है ना, यहाँ पर प्रोनाउन है। इज की बात करेंगे, ये एक लिंकिंग वर्ब है। अभी लिंकिंग वर्ब के बारे में आपको नहीं पता है, आगे हम लोग इसको समझ लेंगे जब वर्ब पढ़ेंगे तब, या फिर ऐसे समझ लेगा कि ये वर्ब है ना। अब देखिए, जो लिंकिंग वर्ब होता है वो क्या करता है, वो प्रोनाउन या नाउन मतलब सब्जेक्ट और एडजेक्टिव को जोड़ता है। तो यहां पे देखिए, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल किसको जोड़ रहा है, सी को, जो मतलब सी के बारे में है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे जब ये एडजेक्टिव हो गया तो कितना ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो इस वजह से जो बेरी वर्ड है, ये बेरी यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है, देखो, वह सुंदर है, ठीक है, आपने सेंटेंस लिखा वह सुंदर है, ये प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वह की विशेषता क्या है, वह सुंदर है। लेकिन कितनी सुंदर है, तो बहुत सुंदर है, तो ये जो बेरी वर्ड है ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे एडवर्ब का कार्य करेगा। ठीक, चलिए दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। देखिए, ये किसका, किसकी विशेषता बता रहे हैं, जो एडवर्ब है ये वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, इसे याद, सॉरी, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहे हैं। आपने लिखा राधा इज वेरी ऑनेस्ट। देखिए, राधा क्या है, राधा यहां पर नाउन है। अगर राधा की बात करेंगे, नाउन है। इज क्या है, इज है लिंकिंग वर्ब। इसके बाद देखिए, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो यहां पे अगर बात करेंगे तो ये एडजेक्टिव है। आपने लिखा राधा इज ऑनेस्ट, ये पूरा सेंटेंस था, कितनी ऑनेस्ट है, वेरी ऑनेस्ट है, तो इस वजह से ये वेरी क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा एडवर्ब। तो इन दो सेंटेंस में जो एडवर्ब है ये किसकी विशेषता बता रही है, ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। इसके बाद आपने लिखा राम सा रियली वेरी नाइस फोटोज। देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा, अब राम ने क्या देखा, अगर बात करेंगे राम की, तो राम क्या हो जाएगा, राम यहाँ पे सब्जेक्ट, सॉरी मैंने राम बोल दिया, माफ कीजिएगा, सी लिखा है ना, अब मैं इसको राम पढ़ रहा हूँ, सी लिखा है कब से। देखिए, सी की बात करेंगे तो सी क्या है, प्रोनाउन है, है ना। सा की बात करेंगे, ये वर्ब है, है ना। अब एक चीज, ये प्रोनाउन, ये वर्ब। बात करेंगे फोटोज, तो फोटोज क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोटोज हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट कह लीजिए या फिर इसको नाउन कह लीजिए। अब नाइस, नाउन की विशेषता बताने वाला क्या होता है? नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है। ठीक, अब एक चीज जान दीजिएगा, फोटो कैसी थी? मतलब बहुत अच्छी थी, मतलब नाइस थी, लेकिन बहुत नाइस थी, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। और इसके बाद रियली, मतलब सच में, ये भी एडवर्ब हो जाएगा। तो अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपने ये वर्ब के बाद देखिए, आप ऐसे समझिएगा, इसको आगे समझते, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा सब एक में मिक्स हो जाएगा, बस इसको याद रख के चलेगा। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन है, नाउन के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद दो बार एडवर्ब आया है। तो इसी चीज को आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए नेक्स्ट, अगले स्लाइड पर क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए आपने यहाँ पे लिखा है कि अगर एक नाउन है, इसको पीछे से देखिएगा, नाउन है तो नाउन के इधर हमेशा एडजेक्टिव आएगा, है ना, एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब आएगा, फिर एडवर्ब आएगा। तो एक चीज इससे क्लियर कीजिएगा कि एक सेंटेंस में जो क्रम होता है, एडवर्ब के बाद एडवर्ब आ सकता है ना, मतलब दो एडवर्ब एक साथ आ सकता है, लेकिन दो एडजेक्टिव या दो नाउन कभी एक सेंटेंस में नहीं आएगा, याद रखिएगा। ये बहुत बहुत बार यहां से क्वेश्चन बना है ना, जैसे इस एग्जांपल को देखें, यहां पे हिंदी पहले लिखा भी गया, इसको देख लीजिएगा, दो नाउन या दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं हो सकते, है ना। यहाँ पे एक आपने सेंटेंस लिखा, रागनी फाउंड हैवी पैक्ड बैग इन द मार्केट, है ना। अब यहाँ पे इसमें हमें ये बताना है कि सेंटेंस में क्या त्रुटि। देखिए रागनी ये नाउन है, है ना, फाउंड ये वर्ब है, है ना, उसने क्या पाया, बैग पाया, है ना, ये इसका ऑब्जेक्ट है, है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पाया, इन द मार्केट, ये अलग बात है, इसको हटा दीजिएगा। रागिनी ने एक बैग पाया। अब बैग, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट मतलब ये नाउन है, बैग कैसा था, बैग पैक था, पैक था तो ये क्या हो जाएगा, पैक था तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब बैग कितना पैक था, हैवी पैक था, तो देखिए ये फिर से एडजेक्टिव आ गया, जब फिर से एडजेक्टिव आ गया तो ये गलत हो जाएगा। बैग को जो पैक है ना, ये हैवी पैक, मतलब इसको क्या बनाना पड़ेगा, एडवर्ब बनाना पड़ेगा। तो एडवर्ब बनाने के लिए आप लिखेंगे हैवीली, एच ई ए वी आई एल वाई, तो बैग हैवीली पैक था, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका हो जाएगा, इसमें ये हैवी जो लिखा था ये गलत है, इसको सही करने के लिए आपको हैवीली करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, एक बार इसको समझिए। यूपीपीएससी 2025 के मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे नए कोर्सेज चल रहे हैं, आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 10 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। इस कोर्स में देखिए आप जीएस 1 की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं कुल 15 पॉइंट की, जीएस 2 की 22 पॉइंट्स की कंप्लीट तैयारी करेंगे, जीएस 3 में 18 पॉइंट्स, जीएस 4 में 8 पॉइंट्स, जीएस 5 में कुल 21 पॉइंट्स और जीएस 6 के 23 पॉइंट्स है, इसकी कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पे जनरल हिंदी के लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं सिर्फ 1500 रुपए में। आगे अगर आप बढ़ेंगे देखिए, इसके बाद यहाँ पे 120 दिन की आंसर राइटिंग है, इसकी तैयारी आप 4400 रुपए में कर सकते हैं। अगर आप इन सबको एक साथ एफर्ट करना चाहते हैं, एक साथ सबको लेना चाहते हैं, है ना, तो इसकी फीस मात्र 13400 रुपए होगी, जो आप इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट इन दिए गए नंबर्स पे भेजकर टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यूपीपीएससी आरओएआरओ 2023 के मेंस की तैयारी के लिए यहां पे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, है ना। देखिए जीएस के पेड कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो 1800 रुपए फीस है, अगर आप हिंदी के पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते तो 2200 रुपए की फीस है, निबंध के पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते तो 1800 रुपए की फीस है, और अगर आप क्विज को ज्वाइन करना चाहते तो ये इसमें आपकी फीस है 900 रुपए। अगर आप इन सभी चारों कोर्सों को एक साथ ज्वाइन करना चाहते तो 6300 रुपए का पेमेंट लगेगा, जिसमें कि 400 का भारी छूट आपको मिल चुका होगा। आप यहां पर ज्वाइन करने की वही प्रक्रिया, इन दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा और आप स्क्रीनशॉट इन नंबर पर भेज के टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आते हैं फिर से अपने क्लास की ओर, जहां हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए अब यहां पे देखिए ये क्या डेटा दिया, इसको समझिएगा, नाउन प्लस ly, नाउन प्लस ly, इसका मतलब समझिएगा, अगर किसी नाउन में आप ly जोड़ेंगे ना तो इससे जो शब्द बनेगा हमेशा एडजेक्टिव बनेगा। देखिए ये बहुत काम का डेटा है, कई जगह काम आएगा, जैसे अभी आपने पीछे देखा ना कि हैवी लिखा तो उसमें ly जोड़ के एडवर्ब बन गया, कैसे बन गया, नाउन मतलब जैसे देखिए फ्रेंड, अगर फ्रेंड में आपने ly जोड़ा तो बन गया फ्रेंडली, ये आपका क्या था, एक नाउन था, ये एडजेक्टिव है। आपने लिखा चेयर, चेयर एक नाउन है, चेयरली एक एडजेक्टिव है, मंथ एक नाउन है, मंथली क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो इन चीजों को याद रखिएगा, कभी नाउन में अगर ly जोड़ेंगे ना तो जो शब्द बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा, वो हमेशा एडजेक्टिव बनेगा। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, अगर कभी एडजेक्टिव में ly आप जोड़ेंगे तो जो शब्द बनेगा वो एडवर्ब बनेगा, इसी वजह से आपने हैवी में ly जोड़ा था जो कि हैवीली बना था, ये एडवर्ब हो गया था। एडजेक्टिव में ly जोड़ने पर हमेशा एडवर्ब प्राप्त होगा। देखिए बैड एक एडजेक्टिव आपने ly जोड़ा, बैडली मिला, कोल्ड एक एडजेक्टिव आपने ly जोड़ा, कोल्डली मिला, फास्ट एक एडजेक्टिव है, ly जोड़ने पे फास्टली मिलेगा, है ना। तो देखिए ये गलत है यहाँ पे, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया, जो फास्ट में ly जोड़ा जाता है ये गलत हो जाएगा। फास्टली जैसा कोई शब्द इंग्लिश ग्रामर में नहीं है, अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये गलत शब्द है, आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। फास्ट का एडजेक्टिव भी फास्ट होता है और इसका एडवर्ब भी हमेशा फास्टली लिखा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट अगले स्लाइड पर। देखिए
अच्छा एक चीज यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा, आपने जैसे बोला कि अगर हम नाउन में एल वाई जोड़ेंगे, आपने नाउन में एल वाई जोड़ा है ना, तो यहाँ पे बन गया एडजेक्टिव, और आपने बोला कि एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब बनेगा, तो क्या अगर हम इसमें फिर से एल वाई जोड़ दें तो क्या ये एडवर्ब बन जाएगा? जी हाँ जरूर बनेगा। अगर नहीं भरोसा है ना तो आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा फ्रेंडली, जैसे एफ आर आई ई एन डी आई एल वाई एल आई एल वाई, इसको सर्च कीजिएगा फ्रेंडली, फ्रेंडली आपको हम हमेशा मिलेगा, ये एक एडवर्ब होता है। जैसे चेयरली है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चेयरली है ना, चेयर लिली। आप अभी गूगल करके चेक कर लीजिएगा, आप मंथ मंथली को ऐसे लिख सकते हैं एम ओ एन टी एच आई एल आई एल आई मंथली है ना, ये हमेशा एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे, बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्ब। टाइप्स ऑफ एडवर्ब की बात करेंगे, एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो एडवर्ब कई टाइप के होंगे, अब एक एक करके सबको समझते हैं। पहले लिखा है एडवर्ब ऑफ टाइम है ना, मतलब समय सूचक। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, जो हमेशा व्हेन का आंसर होगा वही एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, जैसे टुडे टुमारो यस्टरडे, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना व्हेन विल यू कम, मतलब जब कभी भी समय सूचक शब्द मिलेगा। अब समय सूचक शब्द किसका आंसर होता है, व्हेन का आंसर, तो व्हेन का आंसर जो होगा वही हमेशा एडवर्ब ऑफ टाइम बनेगा। एग्जांपल से समझते हैं और बेहतर क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे दिया है सून यू विल गेट द रिजल्ट, मतलब जल्दी तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। देखिए यहाँ पे कब, अब तुम्हें रिजल्ट कब मिलेगा, तो आप बोलेंगे सून, तो यहाँ पे ये जो सून है, सून क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। अच्छा क्या ये सेंटेंस सही है, कमेंट कीजिएगा। ठीक, देखिए ये सेंटेंस सही नहीं है, सही नहीं है, क्यों नहीं सही समझिएगा। जब कभी भी आपके सामने एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, यू विल गेट द रिजल्ट सून, आप इसको यहाँ पे लिखेंगे तब सही होगा। ठीक, जैसे एस्टरडे वॉज माई बर्थडे, ये सेंटेंस देखिए अगर आप बोलने के लिए प्रयोग करते हैं लेकिन ग्रामेटिक तौर पर गलत है। अब इसको एस्टरडे को लास्ट में करेंगे तो क्या आप लिखेंगे, वॉज माई बर्थडे, आप ऐसा लिखेंगे बर्थडे एस्टरडे है ना, आपने ऐसे लिखा कि वाज माई बर्थडे एस्टरडे, तो क्या इसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा, आएगा, यहाँ पे डमी सब्जेक्ट लगाएंगे इट, तो आप लिखेंगे इट वाज माई बर्थडे एस्टरडे, ये इसका बिल्कुल सही स्वरूप होगा। अगर एस्टरडे वाज माई बर्थडे लिखा जाता है तो ये सेंटेंस गलत होगा ग्रामेटिक तौर पर, इसे आपको समझ के चलना है। चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पर, यहाँ पे अगला एग्जांपल देखिए, राजू कम लास्ट वीक, तो देखिए आप इससे इसमें पूछेंगे ना राजू केम वेन, राजू कब आया, तो आपने बोला लास्ट वीक, तो जैसे आपने लास्ट वीक बोला ये किसका आंसर, ये वेन का आंसर है। ठीक, लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपने लास्ट वीक को एक साथ लिया है ना, अगर मैं यहाँ पे पूछूँ ये वीक क्या है, वीक आप बोलेंगे नाउन है ना, लास्ट क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, तो देखिए नाउन और एडजेक्टिव ये दोनों एक साथ मिल करके ना यहाँ पर ये किसका काम कर रहे हैं, एडवर्ब का काम कर रहे हैं, ये नाउन और एडजेक्टिव दोनों मिलकर एडवर्ब का काम कर रहे हैं, तो इसको एडवर्बियल फ्रेज कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। एडवर्बियल फ्रेज का मतलब क्या होता है, शब्दों का ऐसा समूह जो एडवर्ब का कार्य करे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है संजू विल गो अर्ली इन द मॉर्निंग, अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हेन संजू विल गो, तो आपका आंसर होगा अर्ली इन द मॉर्निंग, यही होगा ना, मैंने आपसे पूछा संजू कब जाएगी, व्हेन संजू विल गो, आपका आंसर आएगा संजू विल गो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जो अर्ली इन द मॉर्निंग है ना, यहाँ पे देखिए हर शब्द अलग अलग है, अगर इन की बात करेंगे ये प्रीपोजिशन है ना, द डिटरमाइनर है, मॉर्निंग की बात करेंगे ये क्या है, यहाँ पे नाउन है, और अर्ली इसकी विशेषता बता रहे, मतलब एडजेक्टिव है, लेकिन सब मिल करके किसका काम कर रहे हैं, एडवर्ब का काम कर रहे हैं, क्योंकि व्हेन का आंसर दे रहे हैं, तो इसको एडवर्बियल फ्रेज कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या डेटा दिया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, अगर प्लेस की बात करेंगे तो प्लेस में किसका आंसर मिलेगा, वेयर का, तो जो वेयर का आंसर होता है उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है, जैसे हियर देयर अप डाउन इन आउट, यहाँ पे जैसे राजू वेंट होम, अब बोलेंगे ना राजू वेंट वेयर है ना, तो आपका आंसर आएगा होम, तो यहाँ पर जो होम है ये किसका आंसर है, ये आंसर हो जाएगा When, where का, और ये बन जाएगा एडवर्ब। देखिए आपने जब नाउन पढ़ा होगा तो नाउन में भी मैंने ऐसा एग्जांपल रखा था, अब देखो किसी से पूछा जाए होम, होम क्या है, तो खाली आप होम शब्द को देखकर नाउन नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं फंक्शनल ग्रामर, आप फंक्शन के आधार पर डिसाइड करेंगे कि शब्द की प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, आप कभी भी शब्द को देख कर नहीं, जैसे देखिए मैं पूछूँ घड़ी, आपने बोला वॉच, वॉच एक नाउन है, सही बात है ना, आपने जैसे बोला मान के चले गए सोहन, सोहन एक नाउन है, ऐसे तरीके से होम भी तो एक नाम है, तो यहाँ पर होम जो काम कर रहा है ना ये एडवर्ब का काम कर रहा है। जैसे स्कूल, स्कूल क्या है, स्कूल एक नाम है, ये एक नाउन होना चाहिए, लेकिन आपने लिखा सीता वेंट टू स्कूल, सीता वेंट टू स्कूल, यहाँ पे ये वेयर का आंसर है, तो आप बोलेंगे सीता वेंट वेयर, आंसर आएगा स्कूल, यहाँ पर जो स्कूल है ना ये एडवर्ब का काम कर रहा है, दोस्तों इसे याद रखिएगा है ना, इसीलिए देखिए यहाँ पर द नहीं लगा है ना, बाकी द लगेगा तो इसका अर्थ परिवर्तित होगा, उन सब के बारे में हम लोग आगे समझेंगे।
अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए इन की बात करेंगे ना, इन देखिए इन दोनों का तरीके से काम कर सकते हैं, ये एडवर्ब का भी काम कर सकते हैं और प्रीपोजिशन का भी काम कर सकते हैं। जैसे देखिए आपने लिखा कम इन, मतलब देखिए इन मतलब अंदर, कम मतलब आना, तो यहाँ पे कम इन, ये कम की विशेषता बता रहे हैं इन, इस वजह से ये एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पे देखिए अंजू कम इन द क्लास, देखिए आपने जो इन है ना ये प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ये क्या अंजू और क्लास को जोड़ने का कार्य कर रहा है। लेकिन अगर मैं इन द क्लास पूरे को एक साथ रख लूँ इन द क्लास, तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। आप पूछेंगे ना अंजू केम वेयर, है ना, तो आप बोलेंगे अंजू केम इन द क्लास, तो ये दोस्तों इसका सही स्वरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये अगर इन की बात करेंगे तो ये प्रीपोजिशन है, अपनी जगह खाली एक शब्द अगर पूछ लेगा कि बताओ ये यहाँ पे क्या है, तो आप बोलेंगे प्रीपोजिशन है। लेकिन अगर पूरे एडवर्बियल फ्रेज के बारे में पूछेगा तो एडवर्ब हो जाएगा। तो ये एडवर्ब की पहली क्लास रही, क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।